हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि इंडियन बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर को लिंक या अपडेट कैसे करें ऑनलाइन। दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट इंडियन बैंक में है लेकिन इससे पहले से जो मोबाइल नंबर लिंक था दोस्तों किसी कारण से बंद हो गया है या कहीं खो गया है, तो उस स्थिति में आप अपने बैंक अकाउंट में नया मोबाइल नंबर को कैसे लिंक या अपडेट करेंगे, तो आज की वीडियो में हम आपको इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसके साथ ही आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन में दोस्तों किसी ब्राउज़र को ओपन करना है। ओपन कीजिएगा तो उसमें आपको सिंपली सर्च करना है कि PFMS। जैसे आप इसमें PFMS आप इसमें सर्च कीजिएगा तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आएगा तो यहाँ पर देखिएगा तो दोस्तों PFMS का इस तरह का एक वेबसाइट आएगा, तो इस वाले वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपके सामने में कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा। आने के बाद यहाँ पर आपको दोस्तों करना क्या है कि ऊपर में एक ऑप्शन मिलेगा कि 3 डॉट का, तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है। नीचे आएगा तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपका मोबाइल दोस्तों यहाँ पर डेस्कटॉप साइट में नहीं होगा तो सिंपली आपको मोबाइल को यहाँ पर फाइनली आपको डेस्कटॉप साइट में कर लेना है। डेस्कटॉप साइट में क्लिक कीजिएगा तो सिंपली यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आएगा तो उसी के नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा कि नाउ वेयर पेमेंट का, दूसरा में ऑप्शन में दिखेगा कि यहाँ पर ट्रैक एंड स्पीड पेमेंट का, तो सिंपली आपको करना क्या है कि नाउ वेयर पेमेंट वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपके सामने में कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा। आने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपसे आपका अपना अकाउंट का डिटेल मांगेगा। तो इसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले इसमें आपको अपना बैंक का नाम होगा वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कीजिएगा तो उसी के नीचे में एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा कि इंटर अकाउंट नंबर का, तो इसमें आपको अपना अकाउंट नंबर होगा वो आपको इसमें एंटर करना है। एंटर कीजिएगा तो उसी के नीचे फिर सबसे यहाँ पर पूछ रहा है कि कंफर्म इंटर कंफर्म अकाउंट नंबर का, तो इसमें आपको अपना फिर से अकाउंट नंबर है वो आपको इसमें एंटर करना है। एंटर कीजिएगा तो यहाँ पर उसी के नीचे में एक ऑप्शन यहाँ पर देखेगा कि कैप्चर का, तो कैप्चर को आपको इसमें एंटर करना है। एंटर कीजिएगा तो उसी के नीचे में फिर से एक ऑप्शन यहाँ पर देखेगा कि सेंड OTP वन रजिस्टर मोबाइल नंबर का, तो सिंपली आपको करना क्या है कि इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपके सामने में कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा। आने के बाद यहाँ पर आपको दोस्तों करना क्या है कि यहाँ पर आप देखिएगा तो ऊपर में साइड में यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट के साथ दोस्तों यहाँ पर फाइनली पहले से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा दोस्तों यहाँ पर आपके सामने में दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको अपने बैंक अकाउंट में नया मोबाइल नंबर को लिंक करने के लिए, उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है कि जो भी ब्रांच में दोस्तों आपका बैंक अकाउंट है फाइनली आपको अपने ब्रांच पर जाना होगा। ब्रांच पर जाइएगा तो वहाँ पर दोस्तों एक मोबाइल अपडेट फॉर्म लेना होगा। दोस्तों मोबाइल अपडेट अगर आप वहाँ पर फॉर्म लेते हैं तो उसमें आपसे जो भी डिटेल मांगेगा वो डिटेल आपको उसमें फाइनली फिलअप करके अपने ब्रांच में सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपका जो मोबाइल नंबर है दोस्तों आपके बैंक अकाउंट में फाइनली अपडेट हो जाएगा। दोस्तों अभी तक इसके बारे में ऑनलाइन के बारे में यहाँ पर अभी तक में कोई भी सुविधा यहाँ पर अभी तक नहीं दिया गया है।